Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of May 2020, and the category is Person in News. So let us start. Google ropes in former Axis Bank CEO Shikha Sharma for its payment business. तो गूगल पे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं आर्म ऑफ टेक जायंट गूगल, उन्होंने रोप किया है फॉर्मर एक्सिस बैंक सीईओ शिखा शर्मा जो कि एडवाइज़र हैं. गूगल ने ऑफ़र किया है यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स इंडिया में इन पार्टनरशिप विद फोर मेजर बैंक्स. और वो बैंक्स कौन से? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है. सीईओ अमिताभ चौधरी है. गूगल सीईओ सुंदर पिचाई हैं. सानिया मिर्ज़ा, ये इंडियन, शी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेडअप कप हार्ट अवार्ड. तो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा है, ये पहले इंडियन है जो कि नॉमिनेट किया गया फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड. सानिया मिर्ज़ा ये नॉमिनी थे इस अवार्ड के लिए फ्रॉम एशिया ओशनिक जोन, और जिसके साथ इंडोनेशिया प्रिस्क मेडेलन निग्रोहो. तो विनर है, ये डिक्लेयर किया गया 11 मई को. और ये रिकॉग्नाइज करते हैं फेड कप प्लेयर्स जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को विद डिस्टिंक्शन. एक्सेप्शनल करेज शो किया है कोर्ट में एंड डेमोन्स्ट्रेट आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट ऑन टू द आइडल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हेडक्वार्टर लंडन यूनाइटेड किंगडम में है. प्रेजिडेंट इसके डेविड हेगेटी हैं. फेडअप कप हार्ट अवार्ड ये फर्स्ट प्रेजिडेंट हुआ था फाइनल इन 2009. नेक्स्ट क्या है? टाटा मोटर GLR CEO राफ स्पेथ रिकलेक्टेड फेलो ऑफ UK's रॉयल सोसाइटी. प्रोफेसर सर राफ स्पेथ है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है टाटा मोटर्स, एंड इन्होंने ओन किया है जगोर लैंड रोवर. इनको इलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी UK में. ऑनर क्या, इनका जो ऑनर था, इट इज़ इन द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेथ्स एडवोकेट फॉर UK एंड UK R&D. ग्यूंटर कार्ल बस्टेक ये करंट CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा मोटर्स वर्ल्ड वाइड. रॉयल सोसाइटी ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक एकेडमी है जो कि 1660 में फाउंड हुई थी. नेक्स्ट क्या है? कर्नाटका कैडर IAS ऑफिसर निलाया मिताशा को ADB पोस्टिंग में के लिए दिया गया है. सीनियर IAS ऑफिसर निलाया मिताश, इनको पोस्ट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ प्रिंसिपल ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर स्पेशलिस्ट. कर्नाटका के जो कैडर हैं IAS ऑफिसर ऑफ 1991 बैच, ये वर्क काम कर रहे थे एज अ रेजिडेंशियल कमिश्नर ऑफ कर्नाटका इन द नेशनल कैपिटल एंड इट वॉज फाउंड इन 1966. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइमेसी मिशन क्या था? टू फोस्टर द ग्रोथ एंड कॉपरेशन अमंग कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन. टू लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर मैनीला फिलीपींस है. नेक्स्ट क्या है? इंडिया क्वालिफाइज टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC सेज सैयद अकबरुद्दीन. तो इंडिया है ये क्वालिफाई हुआ है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. कंट्री के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन सैयद TS त्रिमूर्ति ये सक्सीड है सैयद अकरबुद्दीन. ये इस पोस्ट पे इनको किया है जो सिक्योरिटी काउंसिल है. ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. यहाँ पे 15 मेंबर्स है और हर एक मेंबर ने वोट किया है. 5 परमानेंट मेंबर्स है इसके, US, फ्रांस, UK, रशिया और चाइना. नेक्स्ट क्या है? ट्रंप नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन एज US रिप्रेजेंटेटिव्स टू IBRD. तो अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो. ये रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. पिंटो को नॉमिनेट किया है US ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBRD फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स. इंटरनेशनल बैंक है रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट. ये ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ओन बाई 189 मेंबर कंट्रीज एंड ये 1944 में क्रिएट हुए टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. IBRD ने ज्वाइन किया IDA के साथ टू फॉर्म द वर्ल्ड बैंक और ये काउंसलर है US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी. नेक्स्ट क्या है?
अधीर रंजन चौधरी ने चार्ज लिया एज अ चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी है, इन्होंने चेयरमैन का चार्ज लिया ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी फॉर द टर्म जो कि 1 मई 2020 को बिगनिंग हुआ था और एंड हुआ था ये 30 अप्रैल 2021, एंड होगा ये 30 अप्रैल 2021। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इन्होंने एग्जामिन किया है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड्स पब्लिक मनी, और एग्जामिन करते हैं अमाउंट ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट एंड द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने बिरला मेड दिस अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, डैंसूजा नीला सेमिनन टू हेड JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020 जूरी। जो नोटेड भारत रत्नम डांसर हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन है संगीत नाटक अकेडमी और ऑथर है नीला सैमसन, ये हेड है 5 मेंबर जूरी फॉर ₹25 लाख JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020। जो विनर हैं उन्होंने क्या अनाउंस किया है, अवार्ड सेरेमनी ऑन November 7। जो राइटर्स और ट्रांसलेटर हैं अरुणी कश्यप, कल्चरल थियोरिस्ट एंड ऑथर तेजस्विनी निरंजना, प्ले राइट हैं डायरेक्टर रामू रमंथनम दीपक सौरभ जी, ये हेड हैं आर्ट्स और कल्चर पोर्टफोलियो एट टाटा ट्रस्ट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी। तो फार फील्ड क्या है, मधुरई विजय उन्होंने वन किया है 2019 JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, मिता कपूर लिटरेरी डायरेक्टर JCB प्राइज़। नेक्स्ट, अजिंक्य रहाणे ने एल्सा कॉरपोरेशन इंडिया को इंडिया लिमिटेड के लिए अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडियन टेस्ट टीम वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, इनको नेम किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉरपोरेशन इंडिया ग्लोबल एजुकेशन टेक कंपनी। इसको अपॉइंट किया गया एज अ एल्सा कॉरपोरेशन ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया मिडल ईस्ट ANZ एंड SAARC। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, एल्सा स्पीक इज़ अ मोबाइल ऐप जो कि यूज़ कर रहे स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हेल्प द लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। मनीत परक ये कंट्री के हेड हैं इंडिया एल्सा। नेक्स्ट, UNEP extends दिया मिर्ज़ा term as good ambassador till 2022। तो United Nation Environment Program ने extend किया environmentalist and actor producer दिया मिर्ज़ा's term as its national goodwill ambassador of another 2 years till the end of 2020। ये United Nations की Sustainable Development Goals के advocate हैं। United Nation Environmental Program ये leading environmental authority है in the United Nations system। ये 5th June 1972 को found हुआ था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं UNEP के एंगर अंद्रसेन एंड UNEP के हेडक्वार्टर नैरोबी के नया। नेक्स्ट, दिल्ली हाईकोर्ट जज संगीता धींगरा सहगल को प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन प्रेसिडेंट के लिए नाम दिया गया है उनका। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस संगीता धींगरा सहगल, इनका रेजिग्नेशन टेंडर किया गया है किस पोस्ट से, फ्रॉम द पोस्ट फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। रविशंकर प्रसाद ये करंट लॉ और जस्टिस मिनिस्टर हैं इंडिया के। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस, प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। रिटायरमेंट एज जो हाईकोर्ट जज की वो कितनी है, 62 ईयर्स। नेक्स्ट, नायोमी ओसाका ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है। जापानीज टेनिस स्टार नायोमी ओसाका ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है वर्ल्ड के, टॉपिंग अमेरिकन ग्रेट सेरेना विलियम्स। ओसाका ने $3.7 मिलियन अर्न किया है लास्ट 12 मंथ्स में फ्रॉम द प्राइज मनी और एंडोर्समेंट्स एंड $1.4 मिलियन मोर देन दी विलियम्स। अब ये जब से फॉर्ब्स स्टार्ट हुई है, बिगिन हुई है, उसमें क्या ट्रैकिंग वुमेन एथलीट्स को ट्रैक कर रहे हैं, इनकम इन एथलीट्स की इनकम को ट्रैक कर रहे हैं 1919। तो टेनिस प्लेयर ने टॉप किया है एनुअल लिस्ट एवरी ईयर। तो विलियम्स हैं ये भी वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं इन ईच ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। शपोरवा ये रूल कर रहे हैं फॉर द 5 ईयर्स बिफोर दैट। तो फॉर्ब्स ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, ये पब्लिश्ड हुई है बाई वीकली। अगर जो फीचर्स है ओरिजिनली आर्टिकल्स हैं फाइनेंस पे, इंडस्ट्री इन्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग टॉपिक्स। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जर्सी सिटी न्यू जर्सी में लोकेटेड हैं। ओसाका ये विनर है 2018 US ओपन एंड 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्या है, स्पैनिशिंग स्ट्राइकर
अर्जित अदूरी अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। एथलेटिक बिबालियो स्ट्राइकर अर्जित अदूरी ने अनाउंस किया रिटायरमेंट अपने फुटबॉल से, और उन्होंने प्ले किया है, उन्होंने पहले खेला था स्पेनिश क्लब्स वैलो डॉलिट के लिए मेलकोरा वेलेंका, और ये क्लब के सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोरर है विद 172 गोल्स। ये मेंबर है स्पेन स्क्वाड एट द 2016 यूरोपियन चैंपियनशिप, और इन्होंने 4 गोल्स स्कोर किए हैं ओवर 2 लेग्स ऑफ 2015 स्पेनिश सुपर कप फाइनल। नेक्स्ट क्या है, यूएस टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो फॉर्मर वर्ल्ड टॉप 25 और यूएस टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। हैम्पटन ने प्ले किया है हर लेट और लास्ट ऑफिशियल मैच 6 ईयर्स अगो, और उन्होंने इंजरीज भी सफ़र की हैं, और बट दे हैव रीच्ड अ करियर हाई रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड नंबर 24 इन जुलाई 2013। टेनिस था वो पहले, उन्होंने खेला था फ्रांस में इन द 12th सेंचुरी। जेमी रीच्ड 1 WTA फाइनल्स डबल्स फाइनल्स। नेक्स्ट क्या है, मेजर सुमन गुमानी फर्स्ट इंडियन पीसमेकर टू विन यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड। तो वुमेन पीसमेकर और पीस कीपर और इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं मेजर सुमन गुमानी, ये सेलेक्ट हुए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट फॉर द ईयर अवार्ड। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उनका काम रिकॉग्नाइज हुआ है हर कंपेन अगेंस्ट दिस सेक्चुअल वायलेंस, और ये पहले इंडियन है पीसमेकर टू विन दिस अवार्ड। तो मेजर गुमानी ये अपना अवार्ड शेयर कर रहे हैं ब्राज़ीलियन वुमेन कमांड के साथ कार्लो मोंटेरी दी कैस्ट्रो अरोजा, और ये 2016 में क्रिएट हुआ था। ये जो अवार्ड था वो रिकॉग्नाइज किया गया है डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मिलिट्री पीस मेकर इन प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी एंड जेंडर प्रोटेक्शन इन दी ऑपरेशन। यूएन पीस कीपिंग इनके हेल्प कर रहे हैं कंट्री के टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट बिटवीन कंडीशंस फॉर लास्टिंग पीस, और इसको डिस्क्राइब किया गया था पावरफुल रोल मॉडल बाय द यूएन चीफ। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट राजीव जोशी हैं, उन्होंने क्या इनके इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड न्यूयॉर्क में। तो प्रोफेलिक इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर राजीव जोशी, इन्होंने मोर देन 250 पेंटेड इन्वेंशंस, दे हैव बैक द प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्होंने उनके पाइन और काम के लिए उन्हें मिला है इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। और जो इनकी इन्वेंशन है स्पैन फ्रॉम नॉवल इंटरकनेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसिस फॉर मोर स्केलिंग मशीन्स लर्निंग टेक्निक्स फॉर प्रिडिक्टिव फेलियर एंड एनालिटिकल हाई बैंडविड्थ हाई परफॉर्मेंस लो पावर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स एंड मेमोरीज एंड देयर यूजर्स इन हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स and that was meant for artificial intelligence application। तो एडवा अवार्ड जो दिया गया है वो एनवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने दिया है। नेक्स्ट क्या है, IRDAI मेंबर नीलेश साथे अपॉइंटेड NHAI फाइनेंस एडवाइज़र। नीलेश साथे जो फॉर्मर IRDAI मेंबर हैं, वेटरन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। गवर्नमेंट ही वॉज लुकिंग टू रेज द फंड्स फॉर रोड डेवलपमेंट फ्रॉम फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कौन है, सुभाष चंद्र कुंतिया, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में, NHAI चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू हैं। सो गाइज, दिस वॉज रिगार्डिंग दी कैटेगरी पर्सन इन न्यूज़। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। थैंक यू।